हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाला हूँ कॉल्स एंड एसएमएस ब्लॉकर्स के बारे में। अक्सर आपके नंबर के ऊपर अननोन नंबर से कॉल या फिर एसएमएस जाती होगी। ऐसे में बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जो नंबर हमारे मोबाइल फ़ोन में या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है उसी नंबर से हमें एसएमएस या फिर कॉल्स वगैरह आए। सो आज की इस वीडियो पर आपको मैं स्टेप बाई स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि आप कैसे अपने आईफोन या फिर अपने एंड्रॉयड फ़ोन में एक छोटी सी सेटिंग करके एक छोटी सी एप्लीकेशन को डाल के अननोन नंबर से तमाम कॉल्स को या फिर अननोन नंबर से तमाम एसएमएस वगैरह को ब्लॉक कर सकते हो। तो स्पेशली ये वीडियो फेमस होने वाली है क्योंकि उन्हें अननोन नंबर से कॉल्स या फिर एसएमएस आ सकते हैं। सो इस छोटी सी वीडियो को वॉच करके या फिर इस छोटी सी ट्रिक को अप्लाई करके आप परमानेंटली अपने अननोन नंबर से आने वाले मैसेजेस को ब्लॉक या फिर कॉल को ब्लॉक कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर देना बेल आइकन को। यहाँ पर मैं साइबर सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरे पास गाइस यहाँ पर दो मोबाइल फोन है, आप देख सकते हो। अब एक मोबाइल फ़ोन से मैं आपको दूसरे मोबाइल फ़ोन पर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल करके बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी कोई भी एसएमएस या फिर कॉल ब्रोकर एप्लीकेशन या फिर बाय डिफॉल्ट मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाके अप्लाई नहीं किए हैं। देन आप अभी कहीं देख सकते हो कॉल हमें सक्सेसफुली रिसीव होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने कोई भी कॉल या एसएमएस ब्लॉकर एक्टिवेट नहीं किया। आप देख सकते हो कॉल हमें आ चुके हैं। देन गाइज, इसके बाद मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आपने अपने एंड्रॉयड या फिर आईफोन में कॉल या फिर एसएमएस को ब्लॉक्स करना है। अब मैं आपको बता दूं कि आईफोन में भी वो सेम एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड में। आईफोन और एंड्रॉयड के जो एप्लीकेशन के जरिए हम कॉल या फिर एसएमएस ब्लॉक करेंगे, उन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर इंस्टॉल कर लेना एप्पल या फिर प्ले स्टोर से। अदरवाइज मैं एंड्रॉयड पर ही बताऊँगा, सेम टू सेम प्रोसेस आईफोन पर भी होगा। और फर्स्ट मेथड में हम कॉल ब्लॉकिंग की तरफ अब बढ़ते हैं। सो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर गाइज मैं आ चुका हूँ। आईफोन में ये सेम प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लेना और आईफोन में ऐप स्टोर एंड्रॉयड में अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। देन आपने सर्च बार में सर्च करना होगा अननोन नंबर कॉल एंड ब्लॉकर ऐप। सो चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ। इसके बाद गाइज बहुत सारी एप्लीकेशन आपको दिख जाएंगी ऐप स्टोर और एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में। देन आपने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है वो ये रही एप्लीकेशन गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल ऐप। अदरवाइज और एप्लीकेशन वर्क नहीं करती, ये रही कॉल ऐप आईडी स्पैम वगैरह ब्लॉकर जो लिखा हुआ आप देख सकते हो यहाँ पर। सो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अभी मैं आपको गाइज स्टेप बाई स्टेप गाइड करता हूँ कि किस तरह से आपने इस एप्लीकेशन की सेटिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऐप को ओपन कर लेना है, देन जो परमिशन मांगे वो दे देनी है। अब गाइज इसके बाद इस तरह से आएगा, जिस नंबर के ऊपर अननोन कॉल या फिर एसएमएस ब्लॉक करना चाहते हो वो रेड करके वेरीफाई करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको। सो अभी मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, ये अभी मेरे पास ओटीपी आएगा इस नंबर के ऊपर। देन गाइज मेरे पास यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, ये देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अभी वेरीफाई हो जाएगा इस तरह से आपके एप्लीकेशन में भी। गाइज जब ये वेरीफाई हो जाए उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट सेटिंग हमने करना होगी सिंपली सी। इसके बाद प्लान परचेज करने का बोर है, देन आपने राइट साइड में क्रॉस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कट कर देना है। मैं बात कर रहा था फर्स्ट सेटिंग हमें करनी होगी इस एप्लीकेशन में, और सेटिंग करनी होगी हमने जाके अपने आईफोन या फिर एंड्रॉयड की सेटिंग्स में। सो चलिए हम इस एप्लीकेशन की सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। गाइस इसके लिए आपने सेकंड नंबर वाले ऑप्शन स्पैम के ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको गेंद दिखा देता हूँ, ये रहा स्पैम वाला ऑप्शन। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आपने राइट साइड में सेकंड नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आप गाइज सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लो। अभी जो भी यहाँ पर ऑप्शन है इनको आपने टिक करके इनेबल कर देना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अब नॉट इनको टेक के ऊपर भी क्लिक करोगे तभी अननोन नंबर या फिर कॉल से आई हुई एसएमएस ब्लॉक्स हो जाएंगी। सो चले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब गाइज हमने फर्स्ट सेटिंग अब तक कर लिया है सक्सेसफुली। देन सेकंड सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एंड्रॉयड या फिर आईफोन की एप्लीकेशन सेटिंग होगी बाय डिफॉल्ट करने की। देन सेटिंग्स अपनी ओपन कर लो दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में। देन आपने एप्लीकेशन मैनेजमेंट में आ जाना है। अब आपके अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट एप्लीकेशन वगैरह को होगा, देन आ जाना है यहाँ पर। और यहाँ से आपने बाय डिफॉल्ट जैसे एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में, वो सिलेक्ट करनी है जो ये ऐप है गाइज आपको मैंने गाइड किया। अब गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपने कॉल या एसएमएस को ब्लॉक करना है। अदरवाइज और बहुत सारी एप्लीकेशन देख सकते हो ये वर्क नहीं करती, जैसे ही वर्क करती है कॉल एंड ऐप वाली जो मैंने आपको भी गाइड की। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से हम अननोन नंबर से आए हुए कॉल या फिर एसएमएस को ब्लॉक कर सकते। सो अभी गाइज मैंने कॉल करी हुई, आप देख सकते हो मेरे पास सेकंड मोबाइल फ़ोन में कोई कॉल नहीं आ रहा, हालांकि ये कॉल आ चुका है, वो ब्लॉक कर रहा है ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है कॉलर आईडी ऐप का। सो आईफोन और एंड्रॉयड में मैंने आपको बताया सेम प्रोसेस है, आपने घबराना नहीं है, इसी तरह से स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पर मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, चलिए मैं कॉल कट कर लेता हूँ। सो गाइज अभी आप देख सकते हो ये कॉल मुझे आया था लेकिन इस एप्लीकेशन ने ब्लॉक कर लिया है। सो आपके सामने ये वन कॉल ब्लॉक शो हो सकता है। सो मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर कॉल को ब्लॉक करने का ऑप्शन बताया। यहाँ पर फुल डिटेल है कब ये कॉल आया था, किस नंबर से आया था, यहाँ पर देख सकते हो ये नंबर वगैरह या फिर ये टाइमिंग वगैरह दिखा रहा है।
सो फर्स्ट इस ट्रिक को फॉलो करके आप भी कॉलर आईडी ऐप की मदद से अपने एंड्रॉयड या फिर आईफोन में अननोन नंबर से आए हुए कॉल्स को सिंपल से जस्ट 1 मिनट के अंदर ब्लॉक कर सकते हो। और अभी सेकंड घातक ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे अपने मोबाइल फोन या फिर नंबर के ऊपर अननोन नंबर से आए हुए एसएमएस को पहले से ही हम ब्लॉक कर सकते हैं। अब एंड्रॉइड और आईफोन में गाइस सेम टू सेम प्रोसेस है। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉकर के बगैर एक मैसेज करके मैसेज सेंड करके बताता हूँ दूसरे मोबाइल फोन पर मुझे मैसेज मौसूल होगा, क्योंकि मैंने अभी कोई एप्लीकेशन वाला या फिर बाय डिफॉल्ट मोबाइल फोन वाला ब्लॉकर यूज़ नहीं किया एसएमएस वाला। सो अभी मैंने एक मैसेज किया, आप देख सकते हो, देन मुझे दूसरे मोबाइल फोन के ऊपर मौसूल होगा। यहाँ पर लास्ट में आप कॉर्नर में देख सकते हो मुझे मैसेज आ चुका है गाइज। सो अभी मैंने ब्लॉकर को एक्टिवेट कर लिया, वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके, अभी दूसरा मैसेज नहीं आ रहा। आप देख सकते हो फर्स्ट मैसेज मुझे मौसूल हुआ, सेकंड मैसेज नहीं आया। सेकंड मैसेज इसीलिए नहीं आया क्योंकि मैंने अपने मोबाइल फोन का बाय डिफॉल्ट सेटिंग कर लिया था एसएमएस ब्लॉकर वाला, एंटी हैरेसमेंट वाला। सो आईफोन, रियलमी, वीवो वगैरह में ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट होता है आपके पास। मैसेज ऐप को आप ओपन कर लो, देन राइट साइड में आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। चले मैं ओपन कर लेता हूँ, राइट साइड में यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर लो अपने रियलमी, आईफोन, ओप्पो, वीवो वगैरह में। देन एंटी हैरेसमेंट का ये ऑप्शन एसएमएस में ज़रूर होता है। सो देन आपने ब्लॉक मैसेज के ऊपर क्लिक करना है, ब्लॉक मैसेज फ्रॉम अननोन नंबर के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर कोई कीवर्ड भी डाल सकते हो जो स्पेसिफिक ब्लॉक करना चाहते हो। सो ब्लॉक मैसेज फ्रॉम अननोन नंबर के ऊपर आपने क्लिक करना है। चले मैं क्लिक कर लेता हूँ गाइस। सो जैसे ही आप यहाँ पर इसको टिक करके इनेबल करोगे, इसको क्लिक करके इसको ऑन करोगे, देन अगर आपको कोई 10,000 मैसेज भी करे, आपको अननोन नंबर से कोई भी मैसेज नहीं आने वाला। यहाँ पर आप देख सकते हो, अब मैंने 4-5 मैसेज कर दिए आपके सामने। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर। सो गाइज आप देख सकते हो मुझे वही मैसेज आया तो जो फर्स्ट टाइम मैंने किया था ब्लॉकर एप्लीकेशन या फिर ब्लॉकर इंस्टॉल या फिर ब्लॉकर को इनेबल करने से पहले। देन गाइज आप देख सकते हो मुझे फिर कोई भी मैसेज नहीं आया। सो इस सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके गाइज आप भी अपने एंड्रॉयड या फिर आईफोन में कॉल्स एंड एसएमएस को ब्लॉक कर सकते हो। फर्स्ट मेथड हमारा कॉल को ब्लॉक करने वाला था, सेकंड मेथड में आपको गाइड किया एसएमएस ब्लॉक कर सकते हो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए। नाउ फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।